तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैच नंबर 39 की। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो 29 अप्रैल 2023 को खेला जाने वाला है। दोस्तों ये दोपहर में 3:30 बजे से खेला जाएगा। अगर बात करें तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता से आपको लाइव दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पे नंबर 1 पर आपको नारायण जगदीशन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पर इनका साथ देते हुए जैसन बॉय आपको देखने को मिलेंगे। पिछले मैच में काफ़ी उम्दा बैटिंग की है इन्होंने। जहाँ पे नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश अय्यर। जी हाँ दोस्तों, ठीक वहीं नंबर 4 की बात करें तो कप्तान नीतीश राणा आपको देखने को मिलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से नंबर 5 पर रिंकू सिंह देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5-5 छक्के इसलिए लगाए हैं क्योंकि नंबर 5 पे इनका नंबर आता है। ठीक वहीं नंबर 6 पर आपको आंद्रे रसेल देखने को मिलेंगे। नंबर 7 की बात की जाए तो दोस्तों इनके साथी खिलाड़ी सुनील नारायण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं नंबर 8 की अगर बात की जाए तो नंबर 8 पर डेविड विशेष आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 9 की हम बात करें तो केकेआर की तरफ से शार्दुल ठाकुर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं नंबर 10 की अगर बात की जाए तो नंबर 10 पर आपको वरुण चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे। नंबर 11 और अंतिम प्लेयर के रूप में केकेआर की तरफ से अगर बात की जाए तो उमेश यादव आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको नंबर 1 पर शुभमन गिल देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं नंबर 2 की अगर बात की जाए तो इनका साथी खिलाड़ी वृद्धमान शाह है आपको देखने को मिलेंगे। जहां दोस्तों नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको विजय शंकर देखने को मिलेंगे। नंबर 4 की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको कप्तान हार्दिक पांड्या देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं अगर बात की जाए नंबर 5 की तो दोस्तों किलर मिलर यानी डेविड मिलर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं नंबर 6 की अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से नंबर 6 पर आपको राहुल तेवटिया देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर आपको गुजरात टाइटंस की तरफ से अभिनव मनोहर देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 की अगर बात की जाए तो मोहित शर्मा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से नंबर 9 की बात करें तो राशिद खान। जी हाँ दोस्तों, जिनकी फिरकी से घूम जाते हैं बड़े बड़े बैट्समैन वो देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर आपको मोहम्मद शामी देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं नंबर 11 और अंतिम प्लेयर के रूप में गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको नूर अहमद देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।